व्यक्ति वक्तव्य के लिए अपने मन की बात के लिए, मन की बात से हम वैसे तो परेशान है लेकिन आपके मन की बात के लिए मंच आपके साथ है। जब आप तो मैं शिकायत कर रहा तो आप पहले कर गए कि जब ये कहेंगे कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं और ये कहेंगे हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो साला ये आदमी क्या पर आ जाते हैं ये कहिए। हाँ ये हाँ वो गुफाओं में जो खोद के तस्वीरें बनाता था हम उस आदमी की चर्चा कर रहे हैं। ये आदमी भाई बताइए ये आदमी वहाँ है और अभी तक तो हम तो भाई आपको भाभी फिर आप प्रोग्राम में भी गए सर अपना उपन्यास का विमोचन हो रहा था कि मैं तो 40-45 साल से ऊपर का कभी समझता ही नहीं था और जो ही है ये बहुत बड़ी बात पहली बार मैंने अपने बारे में सुनी और समझी मैंने भी कि मेरे लिए जब मैं थक जाता हूँ 50 मरीज देख लिए 51 में आता हूँ मुझे बहुत सारी फाइलें लेके आया वो ये भरोसे से आया है जब मैं 150 किलोमीटर से आया हूँ और आपका नाम सुना है तो आपका फायदा तो मेरे पास मेरे को थक गया हूँ टाइम हो गया है 11 बजे तक देखना था 12 बज रहे हैं मेरे पास ये लिबर्टी है इसीलिए कि मैं उसको टाइम ना उसके पूरे रिकॉर्ड देखूं उसकी पूरी व्यथा ना सुनूं और फिर सॉल्यूशन रखूं तब तक आप कर नहीं सकते। तो यही किताबों का है कि आपने अंग्रेजी रचना एक बहुत अच्छी लिखी थी इस कॉलम में अगला कॉलम फिर आपका ड्यू है। एक जमाने में मैडम ने 8 कॉलम मैंने पर मंथ लिखे 8 कॉलम अलग अलग डेट पे 4 मेरे एक राजस्थान पत्रिका अखबार ने 5-6 साल लिखा है ऐसा नहीं साप्ताहिक कॉलम पर उसी समय 15 दिन में एक इंडिया टुडे में लिखा और उसी समय सहारा समय आ गया तो उन्होंने कहा तो उसमें भी एक कॉलम में मंथ में लिखे थे और उसी समय मैंने ज्ञान है तो जानने कॉलम हेल्थ वाला तहलका वालों ने कहा तो मेरे कहा मैं बेल्ट बहुत लिख रहा हूँ सर मैं थक गया नहीं लिखूंगा फिर भी हम आपका दूसरा पक्ष दिखाना चाहते हैं अच्छे डॉक्टर भी तो संजय दुबे ने मुझे कहा कि आप इसमें कॉलम दो मैंने 5 साल लिखा तो मैं और उस समय मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर था क्योंकि थोड़ा जूनियर लेवल का डॉक्टर तो हर काम में दुनिया में सीनियरिटी में तो बहुत डॉक्टरी में तो बहुत चलता है तो आपको सारे काम अस्पताल के ऑन आवर में रात में 2 बजे भी आ जाते हैं। एक चीज मेरे अंदर जो मैंने सीखी वो ये थी कि जो उन्होंने कहा है कि जोश मैंने वाली ने कि कोई विचार मन में आ जाए तो आप डायरी में लिख लीजिए प्रेमचंद ने लिखा है तो ये मुंडेर पर आया पक्षी जरूरी दोबारा आएगा तो हो जाए तो गया तो मैं हमेशा लगातार अस्पताल में बैठे जब ब्रेक हुआ कभी और लगा मन में तो कोई विचार आ गए तो आप उसे मैं लिख ही डालता था डायरी में और कई ऐसे विचार हैं जो मैंने 3-3 साल बाद फिर उसे जब देखा ना आज क्या लिखने का है कॉलम तो जाना है तो आप देख रहे हैं पीछे का 25 विचार ही वाले इसको लिख के अपने आप उसे लिख रहे हैं कई फिर अधूरी छूट गए उस समय तो उस जमाने में ये काम नहीं था सर टाइप करके खट से भेज दो पहले आप रास्ता लिखो फिर उसका अच्छा से शेयर करूँ फिर उसकी फोटोकॉपी करवाता था फिर उसे कैसे भेजें तो भेजने का वो तरीका फैक्स से आता था तो फैक्स से आप भेज रहे हैं उसने क्या दिया फैक्स मिला नहीं सर फैक्स से किनारा कट गया तो इसके बीच में आप कॉलम पढ़ने का डिसिप्लिन मेंटेन करें और सालों मेंटेन करें तो इसमें डिसिप्लिन तो बहुत बड़ा चीज और घर वालों का आपका साथ चाहिए मेरी पत्नी ने मेरा जितना साथ देखे बड़े आराम से रोक सिवा तो उनसे डॉक्टरों को गाने को तो गाने को इसका दिन तो बहुत नरक होता है रात के 12-2 बजे बच्चा पैदा हो रहा है वो रुकेगा थोड़ी वो तो आपको बुला नहीं ना पाई 3 बजे ऑपरेशन होने का आना तो रात के 2-2, 3-3 बार के ऑपरेशन ले जाती थी घर देखती थी तो उसका मैं देखता था यार मेरे से बड़ा क्रिएटिव काम तो मेरी पत्नी कर रही मैं क्या कर रहा हूँ लिख रहा हूँ और डॉक्टरी कर रहा हूँ तो मैं भी होता पढ़ा मैं उससे कैसे कहूँ जो मेरे से ज्यादा काम कर रही है मैं उससे कहूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी ने तो आज तक कभी मुझे भाव दिया ही नहीं पता नहीं अभी ठीक चली गई ये वाले नहीं है उन्हें कि आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कहा वो कुछ गलत अच्छा आर्टिकल लिया तो पहली पार्टी का मेरी वो है जो कहेंगी कि इस बार तुम्हारा कॉलम बहुत बदल गया रिपीट कर रहे हो वही लिख दिया तुमने ऐसा लगता है तो फिर उसके बीच में विषय ढूंढना और लिखना और सीखना परसाई शरद जोशी या उसमें जब से मैंने भूल गया लिखी है तो ये नहीं कि आप पहले खारिज कर भी बात करें आप कह रहे हो तो सीख लिया आगे बढ़ो मैं निराला को पकड़ के कविताएं नहीं लिख सकता आगे निराला से समझ मेरी कविता क्या नहीं थी ये कविता क्यों लिखी जा रही है कैसे लिखी जा रही है टेक्स्चर क्या है मुहावरा क्या है लिखने का और आप और निरंतर आप अपने आप का ढांचा तोड़ के आगे नहीं बढ़ते तब तक आप अपने आप को रिपीट करते हैं मैंने कोशिश की
कभी रिपीट नहीं करी और आप खड़ी आपसे वादा है अगले में दो तीन साल में पांच संग्रह बहुत 500 रखना है अभी जो मेरे को तथा मैंने कॉलम की इसमें कॉलम की बहुत रखना है पर कॉलम की जो भी जो मैंने नहीं दी मैंने उनको दोबारा से टाइप करवाया है उनको आज की डेट में जो मेरी बेल की समझ पिछले 10 साल में बढ़ गई होगी उस हिसाब से इवेल्यूएट किया है उनको ठीक किया है एडिट किया है उनकी भाषा को सुधारा है अननेसरी वाक हटाए हैं और एक बाकायदा एडिटेड वर्जन है मेरे पुराने लेखक वाला लेखक जो कभी 10 साल पहले की कॉलम में आया आज बासा हो गया है यार क्या वो तरीके लिखने के लिए बचे उससे अलग है तो मैं कोई भी संग्रह देने से पहले अभी मैंने उपन्यास की बात कर रहे थे वहां पर राजभवन पर लोग बैठे हुए तो उन्होंने कहा था कि सोमती जी ने अपना उपन्यास मंगा लिया और तो कहा कि अभी हम दोबारा पढ़ेंगे फिर भेजेंगे और 1.5 साल बाद मेरा अभी जो उपन्यास उधर से आया उसमें मैंने बिल्कुल 15 दिन बाद उसका लोकार्पण तो मैंने उसका एक इसमें इंडिया टुडे देने के लिए अंश पढ़ने के लिए पढ़ने सुन के तो मैंने देखा यार उपन्यास में तो बहुत कमजोर आ रहा है वो चीज़ आ रही थी जो मैंने सोच के दिया है तब मैं 13 बार लिख चुका था मैंने कहा उनको पहला फोन किया उन्होंने मुझे 18 अक्टूबर की मांगी थी तारीख के भोपाल में लोकार्पण करेंगे मैंने अशोक जी कहा भैया वो उपन्यास नहीं जाएगा आप सोचिए मत तब तो मैं फिर 4 महीने बाद किया मैंने फिर से एक बार पूरा 400 पेज का उपन्यास एक एक शब्द देखा जब मुझे खटक रहा तो वो आप जब तक ये बात योर आंसरेबिलिटी योर से अब सबसे बड़ी बात है कि आप ही आंसरेबल पाठक आप अपने आप को पाठक मान के जितना लेखक को पाठक के प्रति होना चाहिए तो लेखक को अपने पाठक के प्रति भी कर्तव्य होगा मेरे अंदर भी पाठक है और उसे ये मोह नहीं होना चाहिए कि ज्ञान चौधरी जी का है ये मोह नहीं चाहिए किसकी किताब पढ़ रही क्या कर गया यार ये नहीं लिखते कोई तो कोई भी रचना ऐसी नहीं होती जो ना लिखते तो भी जिंदगी चलती ऐसा मुझे लगता है हर रचना एक आवश्यकता होना चाहिए आपको लिखने की और पाठक को पढ़ने की आपको लगना चाहिए मेरी जिम्मेदारी से लिखा और मैं पाठक के मनोभूमि को कहीं समृद्ध करूंगा तो मैं कहूंगा कि जो सुन रहे हैं कि ये किताब देखिए जैसे चुनन दिखाता ना बात में तो ये किताब यहाँ लगी हुई है और आप इसे खरीदेंगे तो समृद्ध होंगे मानसिक रूप से पैर आप जीवन को ज्यादा बेहतर समझेंगे पैर ईश्वर करे कि आप दुआएं हमें स्वस्थ रखें और 40 साल के बनाए रखें ताकि हम और आगे बहुत सारा काम कर सकें धन्यवाद।